जैसे जैसे सर्दियां पास आ रही हैं, वैसे वैसे एयर पोल्यूशन का खतरा बढ़ते जा रहा है। एयर पोल्यूशन वैसे तो सबके लिए खतरनाक है, लेकिन जो एस्थमेटिक हैं, जिनको सांस की परेशानियां हैं, उनको एयर पोल्यूशन से बहुत नुकसान हो सकता है। वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करें? सबसे पहला जो आप सबको पता है, बाहर निकलते हुए कोशिश करें हमेशा मास्क पहन के निकलें, प्रेफरेबली N95 मास्क या कोई और अच्छी क्वालिटी का मास्क। दूसरा, अगर आपको एस्थमा अटैक के अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं, सपोज़ आपको छाती में जकड़न शुरू हो गई है या आपकी नाक बहनी शुरू हो गई है, तो अर्ली साइन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हमेशा अपने इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें, जो कि आपको एस्थमा के अटैक आने के सिम्टम को पहचान के पहले ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, एस्थमा के अंदर डॉक्टर ने आपको कई बार कंट्रोलर मेडिसिन लिखी होती है। कंट्रोलर मेडिसिन का मतलब ये होता है कि जो आपके लक्षण को पूरे साल भर कंट्रोल करके रखते हैं। इस तरह की मेडिसिन को आप रेगुलर लेते रहें। गलती से भी ये ना करें कि डोज़ आपको दो बार लिखी तो आपने एक ही बार कर दी। कंप्लीट इसकी डोज़ लेते रहें, लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस की तकलीफ बढ़ रही है, तो इमीडिएटली इमरजेंसी में जाएं, जो आपको देख के प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, नेबुलाइजर की ज़रूरत है या किसी और मेडिसिन की ज़रूरत है। कभी भी एस्थमा को, एयर पोल्यूशन को, दोनों को आपस में रिएक्शन ना होने दें, दोनों को आपस में मिलने ना दें, क्योंकि एयर पोल्यूशन एस्थमेटिक के लिए बहुत ख़राब होता है। थैंक यू।